साल 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर रामविलास पासवान के परिवार में तलवारें खिंची हुई दिख रही हैं। चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान एक दूसरे के खिलाफ दमखम दिखाने और चित्त करने का दावा दिखा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बार दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार में दो सदस्य छोटे भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच के आमने सामने टक्कर होगी। हालांकि अभी दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी नेता एनडीए में शामिल हैं। क्या हाजीपुर सीट का इस बार समीकरण है और इसका इतिहास क्या है, 2024 में इस सीट पर क्या होने वाला है, समझेंगे विस्तार से। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष अभिनव। हाजीपुर सीट का इतिहास अगर इसके बारे में बात करें तो पूरे देश में जब कांग्रेस का पताका लहर रहा था, उस दौर के शुरुआती दो दशक तक हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन साल 1977 में यह सीट एससी के लिए आरक्षित हो गई और इसी वर्ष कांग्रेस विरोधी लहर पर सवार युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में जबरदस्त सेंध लगाई और रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने देश में सर्वाधिक 4,69,007 वोट प्राप्त कर अपनी धाक जमाई और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। साल 1980 में रामविलास पासवान फिर से चुनाव जीते और साल 1984 में रामविलास पासवान यहां से चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस पार्टी के रामरतन राम ने पराजित किया। साल आता है 1989 जहां रामविलास पासवान फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। जी हां, साल 1989 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं और कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,488 वोटों से न सिर्फ हराते हैं बल्कि एक और रिकॉर्ड कायम करते हैं। तब से ये सीट रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता रहा और 2009 में जेडीयू के वरिष्ठ नेता यहां से रामसुंदर दास से वो चुनाव हारते हैं और साल 2014 में उन्हें फिर से जीत मिलती है। आठवीं बार रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद बनते हैं। आज इस सीट पर ही उनके दो परिवार के सदस्य की नजर है, मौजूदा सांसद पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान। रामविलास पासवान के बेटे के बीच 2024 को लेकर जंग छिड़ी हुई है। चिराग पासवान कई बार हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, मतलब उनकी पार्टी की तरफ से कहा तो यह भी जा रहा है कि उनकी मां चुनाव लड़ सकती है। इससे राजनीतिक रूप से हलचल भी तेज है। 2019 के चुनाव में अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए उन्होंने सीट पर अपने भाई रामविलास पासवान ने पशुपति पारस को चुनावी मैदान में उतारा था। उनकी उम्मीदों पर पारस खरे भी उतरे और वो चुनाव जीतने में सफल रहे। आरजेडी के शिवचंद्र राम को उन्होंने हराकर ये सीट जीता था। अब जरा बात कर लेते हैं जातिगत समीकरण की। हिंदू की आबादी यहाँ पर सबसे अधिक है, अल्पसंख्यक मुस्लिम 9.5% के करीब यहाँ पर हैं और जो कि अच्छी खासी संख्या में है। जातीय आधार पर इस क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या अधिक है। अति पिछड़ों की भी संख्या ठीक ठाक है जिनका चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान रहता है हर बार के चुनाव में। अब लेकिन सवाल यह है कि चाचा और भतीजे की तो अदावत जगजाहिर है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई सुलह करवा पाएंगे? कोशिश बहुत हुई है और अब तक की कोशिश नाकाम रही है। 1977 के बाद एक पहला मौका यह भी है कि जब रामविलास पासवान के बिना हाजीपुर सीट पर चुनाव होगा, लेकिन उनके विरासत को कौन संभालेगा, इसकी जंग लगातार देखने को मिल रही है। इस सीट पर, यानी हॉट सीट पर आप इसको कह लीजिए कि चिराग पासवान, पशुपति पारस दोनों दावेदार हैं और बिहार की ही नहीं पूरे देश की नजर है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।